मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ के चेहरे को उनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ही नकार दिया है। मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में किसी भी आतंकी संगठन को पनपने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आतंकियों से संबंधित मामलों पर कहा कि NIA निरंतर जाँच कर रही है, इस संबंध में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन यह तय है कि मध्य प्रदेश में किसी भी आतंकी संगठन को पनपने नहीं दिया जाएगा, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए, NIA उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, FIR भी NIA ने रजिस्टर्ड की है, इसलिए ज्यादा उसमें कुछ बोलना ठीक नहीं मानता मैं। लेकिन एक बात कहता हूं, NIA से अगर कोई भी पुट आएगा तो मध्य प्रदेश ने तहस नहस कर दिया है, चाहे वो HUT हो, चाहे IS हो, चाहे हमारा PFI का मामला हो, चाहे उसके पूर्व में दूर चले जाएं तो सिमी से लेके यहां तक सारे के सारे नेटवर्क ध्वस्त कर दिए और इनमें किसी को भी मध्य प्रदेश में गुंजाइश नहीं दी जाएगी। मिश्रा ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश का मान बढ़ाने और देश में किए गए विकास के कार्यों को घर घर तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया, शहडोल में धर्मांतरण संबंधी प्रकरण में FIR दर्ज की गई है और पादरी व अन्य लोगों की गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां और जिस तरह से मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देश के मान को बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर पर विकास को बढ़ाना और देश के अंदर विकास को मुद्दा बनाना किया है, और जो विकास किए वो एक एक घर तक पहुंचाएं। शेड्यूल का जो विषय आया है उसमें FIR हो गई है, और छत्तीसगढ़ के पास के रहने वाले थे वो, छत्तीसगढ़ के, यहाँ मध्य प्रदेश में आए थे और गिरफ्तारियां भी हो गई हैं दोनों की, जिनके घर पर कार्यक्रम हो रहा था वो और पादरी जो थे। मिश्रा ने कहा, कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति को पूरा देश देख रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के चेहरे को उनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने नकार दिया है। अब ये तो उनके नेता राहुल गांधी से जब सवाल किया गया, जब उन्होंने ही टाल दिया तो बचा क्या है। मैंने तो कल ही आपके साथ प्रेस में कहा था कि विस्फोटक बैठक रहने वाली है, और आपने स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी जो अपने आप को घोषित कर रहे थे, उनकी स्थिति कल देख ली होगी। सारे के सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है उन्हें, जिनको नहीं बुलाया था फिर उनको भी जूम पे जोड़ लिया और उन्होंने भी विरोध व्यक्त कर दिया। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी अब अपने आप को कोई सा भी फेस बताते रहे, पर उनकी कोर ग्रुप की टीम ने और राष्ट्रीय नेतृत्व में नकार दिया है। और नकारे भी क्यों नहीं, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी से मध्य प्रदेश बुला के झूठ बोलवा रहा है 2 लाख के कर्जे का, उन्होंने जब आइटम कहा और राहुल गांधी जी ने माफी मांगने को कहा, नहीं मांगा, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये फेस नहीं होंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।